सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए YouTube चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो है हम फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं, कैसे एक्चुअल में जो है बिगिनर या रिटेलर फंसते हैं, ये हम समझने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या ऑपरेटर भी होता है स्टॉक मार्केट पे, क्या कुछ बड़े लोग भी होते हैं, कुछ बड़ा मनी भी होता है स्टॉक मार्केट पे, ये हम देखने वाले हैं। और हम ये भी समझने वाले हैं कि ऑपरेटर जो है वो किस टाइप के स्टॉक में अटैक करते हैं, क्या वो निफ्टी 50 के स्टॉक पे भी अटैक कर सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। और गाइस, अक्सर जो है लोग फंसते हैं, उनको पैटर्न पता होता है, उसको रेजिस्टेंस लाइंस पता होता है, उसको सपोर्ट लाइन पता होता है, और लेकिन वो ऐसा क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण वो मार्केट में फंस जाते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। और हाँ गाइस, मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आपको अंत तक देखना है, आपको सारा चीज क्लियर समझ आ जाएगा कि आप क्या गलती करते थे एक्चुअल में। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट को हम समझते हैं। तो गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज जो है फॉल्स ब्रेकआउट को हम समझने वाले हैं कि मार्केट हमको कैसे फंसाती है, कैसे हमको ट्रैप करती है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में लगभग 30-40% लोग जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे अपना ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, बट गाइस वो फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो वो एक्चुअल में क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वो जो है फॉल्स ब्रेकआउट को समझते नहीं है। स्टॉक मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, और फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है, या तो एक ऑपरेटर आ जाता है या मार्केट को हिला देता है, या तो हमारा वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, या तो हमारा जो है न्यूज़ आ जाता है, न्यूज़ बेसिस पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हम चार्ट पैटर्न में एक चकमा खाते हैं, लाइक ये हमारा डबल टॉप पैटर्न बन गया, हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो इसको मार्केट को नीचे गिरना चाहिए एज अ मार्केट रूल, ऐसा हम पढ़े हैं। बट गाइस, यहाँ से हमारा मार्केट पलट जाता है और हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट कर जाता है। तो ये एक्चुअल में क्यों हिट करता है, ये हम देखने वाले हैं। हम ये भी देखने वाले हैं कि हमारा भाव जो है लाइक अपने सपोर्ट लाइन पे होल्ड कर रहा है, बार बार यहाँ से हमारा सप्लाई जोन आ रहा है, बार बार इसी जोन पे आ रहा है, तो एक टाइम पे आने के बाद अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर जाता है और यहाँ भी लोग ट्रैप खा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मार्केट अगेन हमारा पलटेगा, लेकिन यहाँ से हमारा भाव जो ब्रेकआउट कर जाता है। तो ये क्यों ब्रेकआउट होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं कि गाइस, हम जैसे कि पता है आपको, हमारा एक रेंज होता है RSI का, ये होता है हमारा 0 से 30 का, और ये ओवरबॉट होता है हमारा 70 से 100 का। हमारा भाव जो है इसी रेंज पे घूमना पसंद करता है, बट गाइस हमारा भाव इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अपट्रेंड भी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन लोगों को ये पता है कि हमारा भाव जो है इसी रेंज पे रहता है, इसी जोन में घूमता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है गाइस कि हमारा भाव जो है ये वाले रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, ये रेंज को भी ब्रेकआउट करके अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। तो एक्चुअल में ये होता क्यों है, ये हम समझने वाले हैं, और लोग ट्रैप कैसे खाते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो आप लोग को वीडियो अंत तक देखना है, उसके बाद आप ये गलती नहीं करोगे। उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के सिचुएशन में आपको बाइंग और सेलिंग का पोजिशन बनाना होता है, और किस टाइप के सिचुएशन में आपको जो है अवॉइड करना होता है मार्केट को, ये हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइज कीजिए, एक बार समझिए, उसके बाद आपको वीडियो देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप इसको स्किप कर जाएंगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे लोग जो है चार्ट पैटर्न में चकमा खाते हैं, वीडियो को थोड़ा स्पीड करते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं। आपको पता ही होगा ये हमारा एक डबल टॉप पैटर्न टाइप दिखाई दे रहा है, हमारा डबल टॉप पैटर्न कुछ इस टाइप का बनता है, और हमारा भाव जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिरता है, ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया। और आपको पता नहीं है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन कैसे डिफाइन किया जाता है, तो गाइस आप हमारा पिवोट पॉइंट वाला वीडियोस देखिए, वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है और कैसे आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, और ये आपको टॉप डबल टॉप कैसे डिफाइन करना है ये आपको नहीं पता, तो इसका भी मैं एक वीडियोस बना चुका हूं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि ये एक पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है। तो एज अ मार्केट रूल हमारा भाव जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिरना चाहिए, ऐसा होता है, पॉसिबल है। बट यहां देखिए, ये हमारा प्रॉपर हमारा भाव ने अपना डबल टॉप पैटर्न बनाया, और गाइस यहां हमारा भाव ब्रेकआउट नहीं किया,
और यहाँ से हमारा भाव जो है वापिस से पलट गया और लोग क्या करेंगे यहाँ अपना क्या कर देंगे सेलिंग का पोजीशन बना देंगे, सेलिंग का पोजीशन बना देंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जो भी हो अपने परसेंट बेस पे या बोल सकते हैं अपने प्राइस बेस पे या एक रेंज बेस पे लगा देंगे। आप कोई भी बेस पे यहाँ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और ये अब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्या गलती हुआ जिसके कारण जो है लोग ट्रैप खा गए? ट्रैप क्यों खाए लोग एक्चुअल में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ गाइस लोग क्या नहीं देखते, वॉल्यूम नहीं देखते। पहला गलती अक्सर लोग ये करते हैं, वो वॉल्यूम चेक नहीं करते, ठीक है। अगर गाइस देखिए ये जो पैटर्न है इसका रूल ये कहता है कि अगर हमारा भाव जो है ब्रेकआउट करेगा तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा। बट यहाँ देखिए हमारा जो भाव है या हमारा प्राइस है वो अपने सपोर्ट लाइन को कितने छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है जिसके कारण हमारा भाव जो है पलट गया, ठीक है। अगर ये जो कैंडल है बड़े कैंडल के साथ ऐसा ब्रेकआउट करता तो आप इमीडिएट यहाँ इसके लोअर पे या स्पाइक पे आप जो है सेलिंग का पोजीशन बनाते। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि आप गलती क्या करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये वीडियो देखने के बाद अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम चेक करना है। अगर हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा तो ये डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरेगा। और दूसरी चीज़ आप और देखिए, यहाँ हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका है। तो गाइस देखिए आपको कैंडल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रॉपर कैंडल को पढ़ने आना चाहिए। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न वो पैटर्न होता है जो हमारे अगले कैंडल को निगलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए हमारा अगले कैंडल को हमारा ये कैंडल निगल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इंगल्फिंग मतलब होता है निगलना, हमारे रेड कैंडल को हमारा ग्रीन कैंडल निगल रहा है। इसके कारण गाइस हमारा यहाँ बायर आ गए और भाव को अपट्रेंड की ओर ले गए। तो यहाँ हमारा दो चीज दिखा जिसके कारण हमारा मार्केट पलटा, एक तो हो गया वॉल्यूम और दूसरा हो गया हमारा इंगल्फिंग पैटर्न। तो आपको इस टाइप के सिचुएशन में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, एक वॉल्यूम देखना है, एक आपको देखना है कैंडल पढ़ने आना चाहिए, तीसरा आपको देखना है न्यूज़ देखना है, और चौथा आपको देखना है अचानक से कुछ वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है, अचानक से ऑपरेटर तो नहीं घुस रहा है। देखिए ऑपरेटर जो है वो उसी स्टॉक को हिला सकता है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ है, लाइक पैनी स्टॉक। अब जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक में आप घुस गए और उसमें आप बोलोगे कि यहाँ ऑपरेटर का खेल हुआ है तो ये इम्पॉसिबल है गाइस। निफ्टी 50 के स्टॉक का मार्केट कैप होता है अरबों खरबों करोड़ों में, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ ऑपरेटर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको फिलहाल क्या क्या चीज़ देखना होता है, वॉल्यूम देखना होता है, कैंडल देखना होता है, अब आपको न्यूज़ देखना होता है। अब लेट सपोज ये हमारा रिलायंस का स्टॉक है, यहाँ तक का हमारा पैटर्न बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ लोग बोल रहे हैं कि अब हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट रेंज को ब्रेकआउट करेगा, बट यहाँ हमारे अंबानी साहब ने कुछ अच्छा न्यूज़ दे दिया रिलायंस को लेकर। तो यहाँ से गाइस कुछ अच्छा न्यूज़ आया तो मार्केट डेफिनेटली पलटेगा, क्योंकि वो रिलायंस के ऑनर है, CEO है, कंपनी के मालिक है, और मालिक का इतना बड़ा बयान आ रहा है मतलब कि जाहिर सी बात है हमारा मार्केट जो है पलटेगा ही। तो ये न्यूज़ भी आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आप ट्रैप खाते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें देखना होता है एक्चुअल में तब आप यहाँ ट्रैप नहीं खाएंगे। और देखिएगा इसमें आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा जिससे आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं फंसेंगे। लेट सपोज अगर हमारा भाव जो है इस वाले रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है, ये वाले रेंज को ब्रेकआउट भी कर दिया, तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड कैंडल बनने का वेट करना है। अगर हमारा सेकंड कैंडल यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेलिंग का पोजीशन बनाना है, अदरवाइज गाइस आपको अवॉइड करना है क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ से पलट सकता है, ठीक है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करने वाला है, और मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो का लिंक जो है आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। पिछला वीडियो मैंने बनाया था ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, उसमें मैंने ये बताया है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेडिंग करना होता है।
ठीक है, तो आई होप आप जो है ये समझ गए डबल टॉप पैटर्न। इसी टाइप से आपको डबल बॉटम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, जितने भी पैटर्न है उसमें आपको काम करना होता है, ये चारों चीज आपको देखना ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले टाइप के फॉलिंग ब्रेकआउट को देख लेते हैं। तो ये होता है गाइस हमारा अप ट्रेंड ब्रेकआउट। देखिए हमारा भाव जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड पे है और लोगों को लग रहा है कि हमारा भाव जो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो ये और कंटिन्यू करेगा। तो और देखिए हमारा भाव जो है अपने रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेकआउट कर करके कंटिन्यू अप ट्रेंड को निकल रहा है। देखिए ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो गया गाइस जिसके कारण हमारा भाव यहाँ से पलट गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे कि बताया, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा क्या कैंडल दिख रहा है, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। ये गाइस एक पावरफुल साइन होता है ट्रेंड को पलटाने का, ये हमारा जो कैंडल है वो ट्रेंड को पलटाने का काम करता है। और दूसरा चीज, यहाँ हाई वॉल्यूम आ गया होगा जिसके कारण हमारा जो मार्केट है पलटा है, तो आपको वॉल्यूम देखना है। और तीसरा चीज देखिए गाइस, हर जगह रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल काम नहीं करता, इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए हमारा भाव जो है प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है, फिर भी हमारा मार्केट पलटा है। पलटा क्यों है, क्योंकि यहाँ एक कैंडल आ गया है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन होता है मार्केट को पलटाने का, जिसके कारण हमारा मार्केट जो है पलटा हुआ है। और जो यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाए होंगे उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट किया होगा, और जो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाए होंगे वो मार्केट पे फंसे होंगे, और देखिए उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसलिए बोलते हैं गाइस ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग होता ही नहीं। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मतलब कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड पता नहीं है। अगर आपको रिस्क और रिवॉर्ड पता नहीं है मतलब कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप यहाँ जुआ खेल रहे हैं। और अगर आपको रिस्क और रिवॉर्ड प्रॉपर पता है, आपको पता है कि ये मेरा रिस्क है और ये मेरा रिवॉर्ड है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ जुआ नहीं खेल रहे हैं गाइस, आप इसको एक बिजनेस की तरह आप कर रहे हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, तो वापस से यहाँ आते हैं और समझते हैं यहाँ हमको क्या क्या चीज़ दिख गया। एक हमको कैंडल दिख गया, वॉल्यूम दिख गया होगा गाइस जिसके कारण हमारा मार्केट पलट गया, और मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम कहाँ से देखा जाता है। ठीक है, और तीसरा चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा गाइस, देखिए हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आएगा कि कहाँ हमको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया जाता है, कहाँ हमको सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया जाता है, ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ अपना क्या बनाया, सपोर्ट रेंज बनाया। तो मैं यहाँ अपना सपोर्ट रेंज क्यों बनाया, क्योंकि देखिए गाइस हमारा भाव जो है यही इसी रेंज पे घूम रहा है, ये ड्रॉ सही से नहीं हो पा रहा है। बट गाइस देखिए हमारा भाव जो यहाँ कई बार इस रेंज पे हिट किया हुआ है, और जब भी हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेंज बनाया जाता है वो दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाकर के बनाया जाता है। देखिए कई बार हमारा भाव जो है इसी वाले रेंज से पलटा हुआ है और अब ट्रेंड को निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सपोर्ट रेंज का काम कर रहा है। और हमारा भाव जो अपने सपोर्ट रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और ये कंटिन्यू नीचे गिरा। ठीक है, तो अब एक्चुअल में लोग यहाँ फंसे कहाँ होंगे, तो लोग जो है फंसे यहाँ होंगे गाइस, वो जो है अपने यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए होंगे और यहाँ वो अपना बाइंग का पोजीशन बनाए होंगे। और जिनको आता है कैंडल पढ़ना वो क्या किया होगा, यहाँ अपना ऑर्डर जो है क्लोज कर दिया होगा और अपना यहाँ अपने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया होगा और यहाँ वो अपना सेलिंग का पोजीशन बनाया होगा। तो आप ये समझ गए, आप अप ट्रेंड में भी धोखा खा सकते हैं, तो इसको आपको देखते रहना है। तो ये दूसरा चीज आपको आई होप समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो गाइस वीडियो रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर आप इस चीज को समझिए, क्योंकि गाइस ये मैं फालतू का चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये सारा चीज जो है आपको बुक पे भी नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है और ये बिल्कुल कारगर है गाइस, यकीन मानिए मैं एक ट्रेडर हूं और ये एक ट्रेडर ही बता सकता है ये चीजों को। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे हमने यहाँ क्या क्या चीज़ें देखा जिसके कारण हमको समझ आ गया कि मार्केट में रिवर्सल होने वाला है। हमने यहाँ कैंडल देखा, दूसरा वॉल्यूम देखा, और ये वॉल्यूम कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और तीसरा आपको न्यूज़ भी देख लेना है कि कुछ अलग न्यूज़ तो नहीं आ गया जिसके कारण मार्केट जो इतना बड़ा सा मूव दे गया डाउन ट्रेंड की ओर, और कुछ न्यूज़ आया होगा गाइस जिसके कारण इतना बड़ा मूव दिया है हमारा भाव जो है डाउन ट्रेंड की ओर गिरा है। ठीक है, तो आपको न्यूज़ भी देखना है। अब देख लेते हैं अगला हम किस टाइप से धोखा खाते हैं मार्केट में। तो देखिए गाइस ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं, हम इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। गाइस जब भी हमारा भाव इस वाले रेंज को हिट कर रहा है यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा मार्केट जो है इसको हिट कर गया और हमारा भाव जो है अब ट्रेंड को निकल रहा है। तो ऐसा यहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए हमारा भाव जो है प्रॉपर हाई कैंडल के साथ बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट किया है और गाइस हमारा मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकला है। तो आपको क्या देखना है, पहला आपको
कैंडल देखना है, दूसरा आपको वॉल्यूम देखना है, तीसरा आपको देखना है न्यूज। ये तीनों चीज आपको मेन देखना है अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और पूरा हमारा जो सोसाइटी है स्टॉक मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे ही ट्रेडिंग करते हैं, बट उसको ये चीज बताया नहीं जाता कि हमारा मार्केट में रिवर्सल भी होता है, हमारा फॉलिंग ब्रेकआउट भी होता है, वो उन लोग नहीं जानते। अगर आप ये वीडियो देख लिए और आप आई होप मेरे बातों को समझ रहे होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको गाइस और कोई वीडियोस देखना नहीं पड़ेगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें देखा, कैंडल देखा, वॉल्यूम देखा, न्यूज़ देखा, ये तीनों चीज़ देखा। और हमारा भाव जो देखिए कैसे ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अपट्रेंड को निकल रहा है। अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वो फिर सोचेंगे कि हमारा मार्केट यहाँ से पलटेगा और जैसे हमारा भाव इस वाले रेंज को हिट किया वो क्या करेंगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। और जबकि आप एक समझदार ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाओगे और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दोगे। आप रेंज पे लगाते हो तो रेंज पे लगाओगे, आप परसेंट बेस पे लगाते हो तो आप परसेंट बेस पे लगाओगे, आप रुपए बेस पे लगाते हो, प्राइस बेस पे लगाते हो तो आप प्राइस बेस पे लगाओगे। तो ये होता है हमारा फॉलिंग ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस लाइन में इस टाइप का फॉलिंग देखने को मिलता है। तो चलिए हम और अगला देख लेते हैं। हाँ, तो ये होता है हमारा RSI फॉल्स। देखिए गाइस ये जो फॉल्स है उसको मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको किस टाइप के सिचुएशन में आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाया जाता है। वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं गाइस, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए अपने पास, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और हाँ, आप लोग को एक बना बनाया स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए, तो गाइस आप जो है मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा चार्जेस देना पड़ेगा, बट आप जो है मेरा स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते, हमारा जो क्रैश कोर्स है या हमारा स्ट्रैटेजी आप नहीं लेना चाहते तो ये सफिशियंट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और मैंने एक एक्सेल शीट डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक्सेल शीट में आपको क्या करना है, लाइक आप पेपर ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ये पेपर ट्रेडिंग होता है क्या है, कैसे पेपर ट्रेडिंग किया जाता है, तो आप एक्सेल शीट देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो जो टेलीग्राम है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा फैमिली नहीं हुआ है फिर भी आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वापस से हम समझते हैं इसको, RSI में जो फॉल्स होता है वो हम समझते हैं। तो आपको क्या पता है गाइस RSI के बारे में, आपको RSI के बारे में ये पता होगा कि हमारा भाव जो है 0 से 30 वाले रेंज पर रहता है, तो हम इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड वाला रेंज, और इसमें हम क्या करते हैं अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। और अगर हमारा भाव जो है 70 से 100 के बीच में रहता है तो हम इसको बोलते हैं ओवरबॉट वाला रेंज, या हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। हमारा भाव जो है इसी वाले रेंज पर रहता है और जब भी इस वाले रेंज पर आता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। और अगर हमारा भाव जो है इस वाले रेंज पर आता है, वापस से हमारे 30 वाले रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ बाइंग पोजीशन बनाते हैं। और आपको RSI डिटेल्स में जानना है तो RSI वाला वीडियो हमारा देखिए, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये हमको पता है कि इस टाइप से जो है RSI में काम किया जाता है, बट एक्चुअल में इसमें फॉल कैसे होता है हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा RSI का डायग्राम बना हुआ है और ये हमारा जो है 70 से 100 वाला रेंज है, और ये जो है हमारा ये जो 0 से 30 वाला रेंज है, ठीक है। हमारा भाव जो इसी रेंज पे घूम रहा है, ये हमारा इसी रेंज पे घूम रहा है, लेकिन ये क्या हो गया गाइस, हमारा भाव जो है अपने 0 वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे गिर गया। ये ही होता है हमारा फॉलिंग RSI। हमारा भाव जरूरी नहीं है गाइस यहीं से पलट जाएगा या यहीं से पलट जाएगा, ये इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे भी गिर सकता है। जैसे ये गिर रहा है, देखिए अपने 0 वाले रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे गिर रहा है। हमारा भाव जो है अपने 100 वाले रेंज को ब्रेकआउट करके अपट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो यहां भी आपको क्या देखना है, यहां आपको वॉल्यूम देखना है, यहां आपको न्यूज देखना है, यहां आपको कैंडल देखना है। ये तीन चीज आपको हर जगह देखना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे ट्रेडिंग करते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेस पे ये चीज आपको देखना ही होता है गाइस। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है गाइस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये आप समझ गए कि किस टाइप से हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। हमारा भाव जरूरी नहीं है इसी रेंज पे घूमेगा, ये वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड भी कर सकता है हमारा भाव, और ये वाले रेंज को नीचे वाले रेंज को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे भी कर सकता है हमारा भाव, ये वाले रेंज को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड कंटिन्यू अपर कर सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ये तो हम समझ गए कि इस टाइप से, इतने टाइप से जो है
एक्चुअल में फॉल्स होता है और बहुत सारे फॉल्स होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसी टाइप के फॉल्स होते हैं, इसी टाइप के फॉल्स में जो है लोग फंसते हैं और इसी टाइप का फॉल्स आपको मार्केट में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं गाइस एक्चुअल में हमको कहाँ अपना पोजिशन बनाना होता है, ये परफेक्ट होता है गाइस हमारा इस टाइप के सिचुएशन में आपको परफेक्ट टाइम में अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। ये हो गया हमारा क्या लाइन हो गया, रेजिस्टेंस लाइन हो गया। रेजिस्टेंस लाइन में क्या होते हैं, हमारे सप्लायर होते हैं। और देखिए प्रॉपर हमारा भाव इस वाले रेंज को हिट किया, यहाँ से हमारा सप्लायर आ गया और भाव नीचे गिर गया, ठीक है। अगेन हमारा भाव इस वाले रेंज पे गया, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए हमारा भाव जो है वापिस से पलटा और आपको इस टाइप का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये होता है गाइस इस टाइम पे आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री करना है। अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको कौन से जगह पोजीशन बनाना है, तो बिगिनर हो तो ये हमारा प्रॉपर डबल टॉप पैटर्न बन गया। डबल टॉप पैटर्न को जैसे ही हमारा भाव ब्रेकआउट किया, यहां आप क्या करोगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। देखिए मैंने इसी पैटर्न में हमारा डबल टॉप पैटर्न बना दिया। ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था। डबल टॉप पैटर्न में हमारा भाव जो है अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करके कंटिन्यू नीचे गिरता है, कुछ इसी टाइप का हो रहा है गाइस। अगर आप बिगिनर हैं तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अगर आपको थोड़ा सा 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई बेस पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते ना, क्या पता हमारा मार्केट यहीं से पलट जाए, यहां से पलट जाएगा तो इतना प्रॉफिट हम मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करना है आपको डिमांड एंड सप्लाई में जाने का। अभी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हो, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन, ठीक है। लेकिन आप डिमांड एंड सप्लाई जोन में जाओगे तो वो अलग तरीके से काम करता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो है बच्चा है हमारे डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई जो है ये सबका बाप होता है, ये आप समझ जाइए। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो गया तो माफी चाहता हूँ, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये लैंग्वेज का यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए आपको क्या करना है। अगर आप बिगिनर हो तो जैसे ही हमारा भाव जो अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लग जाएगा। अब अगर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर हो तो और 1:2, 1:3 का आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपको 1:3 और 1:4 का भी प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए परफेक्ट टाइम पे आपको एंट्री कैसे करते हैं। और देख लेते हैं किस टाइप का हमको और मिलता है सिचुएशन। ये होता है हमारा मूविंग एवरेज। आपको नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होता है तो गाइस उसका वीडियो आप देखिए, मैंने बना चुका है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। आपको नहीं पता 50 डेज मूविंग एवरेज क्या है, कैसा काम करता है, तो आप देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज जो है प्रॉपर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का काम करता है। अगर हमारा भाव जो है इस वाले रेंज पे है तो ये कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट लाइन का काम कर रहा है। देखिए हमारा भाव जो है जब भी इस वाले रेंज को हिट कर रहा है, यहाँ से हमारा क्या क्रिएट हो जा रहा है, बायर्स क्रिएट हो जा रहा है, बायर आ जा रहा है और भाव को अपट्रेंड की ओर ले जा रहा है। देखिए फिर अगेन हमारा भाव इस वाले रेंज को हिट किया था, नीचे गिरा था, अगेन यहाँ हमारा बायर क्रिएट हो गया और इतना बड़ा कैंडल बनाया, मतलब जाहिर सी बात है हमारा भाव जो है अपट्रेंड की ओर करेगा। तो ये बेसिकली जो है आप मूविंग एवरेज समझ जाएंगे, आप देख लेंगे और अच्छे से उसका यूज़ करना सीख जाएंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ हमारा डिमांड जोन का प्रॉपर ये काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन या बोल सकते हैं हमारा मूविंग एवरेज लाइन, जिसके कारण हमारा भाव जो है कंटिन्यू अपटेन की ओर निकल रहा है। तो आई होप ये समझ गए, और नहीं समझे तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइज कीजिए, वापस से प्ले कीजिए, देखिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये भी वही हमारा मूविंग एवरेज लाइन है, देखिए प्रॉपर इसी रेंज पे हिट कर करके प्रॉपर हमारा भाव जो है इसी रेंज पे घूम रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं किस टाइप का होता है, बस गाइस इतना है, ठीक है। और मैं और इसका पार्ट 2 वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें छूट रहा है, मेरे को पता है मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकता बिल्कुल, आप लोगों को PDF में समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन इतना सफिशियंट है, आप इतना सीख जाओगे तो भी आप लगभग 70% तक समझ जाओगे कि मार्केट में किस टाइप के सिचुएशन में आपको जो है बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है, बेसिकली न्यूज़ देखना है, वॉल्यूम देखना है, कैंडल देखना है, और आपको क्या देखना है, आपको देखना है ऑपरेटर का रिएक्शन देखना है। ये सारा चीज मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ये वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर लंबा करूंगा वीडियो आप लोग बोर हो जाओगे, वीडियो देखोगे नहीं, इसमें लोगों को पता है, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है मैं इसको लाइव दिखाऊंगा कि किस किस सिचुएशन में हम जो है ट्रैप खाते हैं, ठीक है। ये आप जो है पैटर्न देख लीजिए, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट हमारा किस टाइप से रिवर्सल होता है और किस टाइप से हमको ट्रैप कराता है और किस टाइप से हम फंसते हैं। फिर भी मैं आप लोगों का जैसे कमेंट आता है कि आप इसको लाइव करके दिखाइए और लाइव इसको दिखाइए, हमको लाइव चार्ट पे दिखाइए, तो मैं उसको दिखाने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन फिलहाल ये वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, तो चलिए फटाफट ये वीडियो क्लोज करते हैं। आप इसको देखिए, सीखिए, डाउनलोड कीजिए, जो करना है कीजिए, बस सीखिए, ठीक है। तो चलिए गाइस नए वीडियो पे मिलते हैं, नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।